हेलो गाइस, वेलकम टू सोम क्लासेस। मेरे क्लास 12 के विद्यार्थियों, आप सभी का यूट्यूब के नंबर वन चैनल सोम क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं कि अब आप मैं सीधे रिवीजन के दौर में अब पहुंच चुके हो। अब आपको अपनी तैयारी किस तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट समझ कर करनी है, इस तरीके से मैं आपको अब आपका पोएट्री का जो बेस चल रहा है उसमें मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको कैसे सेंट्रल आइडिया लिखा जाता है ये बताया। अब सेंट्रल आइडिया लिखने का क्रम बता के मैंने उसमें कौन से इंपॉर्टेंट है ये भी आपको समझा दिया। अब आज हम बात करते हैं कैसे किसी पोएट्री के एक्सप्लेनेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको कहीं जाना नहीं है, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के साथ बने रहना है ताकि हर चीजें आपको बहुत ही डीपली समझ में आ सके। और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, जितने भी छात्र नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी लेकर आए क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री में, जो आपको 3 मंथ में कंप्लीट रिवीजन आपके सभी विषय में कराएंगे। आपको सबसे बेस्ट बैच पहल बैच 2.0 जो स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर में, जिसमें आपको डॉक्टर एस के सिंह, पंकज तलवार सिंह, आशीष सर, प्रदीप सर और सौरभ शर्मा पढ़ाएंगे, जो इंडिया के बेस्ट कोचिंग पढ़ा चुके हैं। इनको यहाँ पर आप देख सकते हो 23+ ईयर का एक्सपीरियंस है, साथ में इंडिया के टॉप रैंक प्रोड्यूस कर चुके हैं। साथ में एक बैच आपके लिए और है, सुपर रैंकर बैच फॉर नीट 2021, जिसमें आपको रितु मैम पढ़ाएंगे जो अनअकैडमी की टॉप एजुकेटर है बायोलॉजी की, और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 31 दिसंबर का। साथ में उम्मीद बैच भी आपके लिए जो 3 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर डॉक्टर आनंद मानी सर पढ़ाएंगे जो बायोलॉजी के बेस्ट रैंक प्रोड्यूस कर चुके हैं, साथ में दीपक सर, अमन सर, विक्रांत सर और महेंद्र। और सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस बैच का है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप किसी भी बैच में इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 रुपीज फीस पे नहीं करना, बस वहाँ पर आपको कोड डालना है। कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है shubham@12, जैसे ही आप डालोगे सारे बैचेस आपके बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएंगे और आप बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हो। चलिए बच्चों, हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन 2021 में जो इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आने वाला है पूरे 10 मार्क्स का। इस बार 8 से 10 मार्क्स हो गया है, जैसा कि रिफरेंस पे 2.5, कॉन्टेक्स्ट पे 2.5 और एक्सप्लेनेशन पे 5 मिलने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने यहां पे आपके सामने बोर्ड पे माई हेवन से लिया हुआ है एक पोयम का स्टेंजा, जो माई हेवन का एक फर्स्ट स्टेंजा है मैंने यहां लिखा हुआ है, जिसको लिखा किसने है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अब आप सोचोगे सर, एक्सप्लेनेशन करने के पहले मन में आपके बच्चों के सभी सवाल उठते हैं कि सर एक्सप्लेनेशन करने के पहले हमें क्या करना चाहिए। तो मैं बता दूं बच्चों, सबसे पहले आपको पोयम को रीड करना है। पोयम को रीड करके सबसे पहले आपको ये पता करना है कि इसके पोएट कौन है, और ये पोएट से पहले जरूरी है कि किस चैप्टर से आया है, क्योंकि अगर चैप्टर का नेम अगर हमें मालूम हो गया तो पोएट ऑलरेडी याद आ सकते हैं। कैसे, जब आप डीपली पढ़ोगे तब। अगर इसके जो पोयम के जो ये अर्थ आते हैं, जो हिंदी अर्थ है, जो इसकी समरी है मैंने पढ़ाया हुआ है, जो बच्चे अभी इसकी समरी को फिर से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, एक बार फिर से ये मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का यानी इसके हिंदी अर्थ का लिंक दे दिया है, आप लिंक ओपन करके उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि इसका अर्थ जानने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, पढ़ते हैं कि वेयर द माइंड जहां मस्तिष्क इज विदाउट फियर, जहां मस्तिष्क बिना डर का हो, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और जहां हम सर उठा के जी सके। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या है, भगवान से यही कामना करते हैं कि हमारा देश, हमारे देश के लोगों का जो ये मस्तिष्क होना चाहिए, हमारे देश के लोग ऐसे होने चाहिए जो बिना डर के हो, यानी उनके अंदर डर ना हो, निडर हो कि जी सके, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और वे अपना सर उठाकर जी सके। इस और वेयर द नॉलेज इज फ्री, जहां ज्ञान स्वतंत्र हो, ज्ञान पाने की आजादी हो, किसी को यह नहीं कि ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं करना, ऐसा कुछ भी ना हो, जहां पर लोग क्या हो, एवरी पीपल शुड बी फ्री टू गेट नॉलेज, हर व्यक्ति नॉलेज पाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। वेयर
वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इंटू फ्रेगमेंट, जहां पर इस संसार को क्या है ब्रोकन अप इंटू फ्रेगमेंट, जहां बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जहां पर इस संसार को छोटे छोटे टुकड़ों में न तोड़ा जाए, बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल, इस घरेलू दीवारों से, संकुचित घरेलू दीवारों से, यानी एक सांसारिक जो दीवार है वो सांसारिक दीवार जानते हो आप क्या है, हमें हम किस आधार पे आज बांटे जाते हैं, हमें धर्म के आधार पे बांटा जाता है, हमें भाषा के आधार पे बांटा जाता है, हमें जात के आधार पर बांटा जाता है, ये डोमेस्टिक वॉल्स जो है, जो घरेलू दीवारें हैं, हमें क्या किया जाए, भाषा धर्म और जात के आधार पर जहां छोटे छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए, हमारा भारत देश ऐसा होना चाहिए। तो आप याद करोगे, अरे ये तो आया हुआ माई हेवन से है, जिसको हमारे राष्ट्र सपूत रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा हुआ है। तो अब आप यहां से शुरू करते हो, तुरंत दोस्त ये शब्द जानते, रिफरेंस। तो रिफरेंस में क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले यहां मैंने हेडिंग दिया हुआ है रिफरेंस की, आप यहां क्या लिखोगे बच्चों, शुरुआत कैसे करते मैं बताता आया हूं, आज भी बता रहा हूं, एक एक पोयम का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन शुरुआत हो चुका है आपके लिए। तो शुरुआत कैसे करेंगे कि दीज लाइन्स have been taken from the poem। अब क्या लिखेंगे हम, पोयम का नाम लिखेंगे, सिंगल इनवर्टेड कॉमा, पोयम का नाम हमारे क्या है, माई हेवन, क्या है ये, तो मान लीजिए मैंने लिख दिया तो दिख गया एग्जाम में आपको, ये लाइन याद होनी चाहिए माई हेवन, अगर यही पूछ रहता तो यहां क्या लिखते, द लेसन कंपोज्ड बाई रविंद्रनाथ टैगोर, आर एन टैगोर भी आप लिख सकते हो, रविन्द्रनाथ टैगोर, सिंगल इनोटेड कॉमा बंद हो गया, ये आपका रहा रिफरेंस। अब बच्चों अब हम बात कर लेते हैं आपके कॉन्टेक्स्ट के बारे में, जब आप पढ़ रहे हो तो इसमें क्या देख रहे हो कि सबसे किसके बारे में बात करें, कि भगवान से निवेदन कर रहे हैं, किस लिए निवेदन कर रहे हैं, कि ताकि हमारा देश क्या हो, हमारा देश और हमारे देश के लोग आजाद हों। तो देश के लोग कब आजाद होंगे, जब उन्हें हर काम खुलकर करने की आजादी होगी। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं, आप क्या कह सकते हो कि इन दीज लाइन्स द पोएट मेक्स एन अपील टू गॉड टू मेक हिज कंट्री ग्रेट इन ऑल फील्ड्स, ये कहना चाहते हैं कि उनका देश हर क्षेत्रों में महान होना चाहिए। ओके, तो हम क्या लिख देते हैं कॉन्टेक्स्ट में, शुरुआत कैसे करना है इन दीज लाइन से, तो हम लिखेंगे कि इन दीज, क्या लिखेंगे, इन दीज लाइन्स ओके, क्या द पोएट, या अपील निवेदन है भगवान से, तो हम लिखेंगे द पोएट मेक्स एन अपील टू गॉड, क्या किस लिए, टू मेक हिज कंट्री क्या ग्रेट इन ऑल फील्ड्स, ये हमारा स्पेशल कॉन्टेक्स्ट, छोटा सा और बहुत प्यारा सा कॉन्टेक्स्ट, कि इन दीज लाइन, इन पंक्तियों में द पोएट मेक्स एन अपील, कभी एक अब निवेदन करते हैं एक टू गॉड, भगवान से, कि टू मेक हिज कंट्री ग्रेट, उनका देश महान बनना चाहिए, इन ऑल फील्ड्स, पूरे क्षेत्रों में, यानी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, चाहे वो जाति का क्षेत्र हो, चाहे भाषा का क्षेत्र हो, चाहे हमारे धर्म का क्षेत्र हो, कोई भी हो, चाहे ज्ञान की बातें हो, हर जगह हमारा देश क्या होना चाहिए, महान होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। तो अब इनके एक एक अर्थ तो हम जान लिए, अब इनको जानने के बाद हम क्या करेंगे, कि इनको जानने के बाद हम तुरंत यहां पे इसके अर्थ को पढ़ के एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, ये व्याख्या कैसे करेंगे, पोयम का अर्थ हमें आएगा तो ही तो करेंगे, पोयम के अर्थ को तो हमने पढ़ लिया,
अब कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, जहां पर हमारा मस्तिष्क क्या हो, बिना डर का हो, यानी कि हमें क्या होना चाहिए, एवरीवन शुड बी फियरलेस, हर व्यक्ति को निडर होना चाहिए, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और जिन्हें सर उठाकर जीना, यानी कि दे शुड लिव विथ डिग्निटी, उन्हें सम्मानजनक तरीके से क्या होना चाहिए, जीना चाहिए। तो इसको एक्सप्लेन कर दो, और जान गए तो एक्सप्लेन करो, अपनी भाषा में ट्रांसलेट करना होता है, जो हिंदी अर्थ पढ़ते हो छोटे छोटे भाग में उसको ट्रांसलेट करके लिखिए। तो चलिए हम शुरुआत कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो कवि ने इसमें क्या किया, कवि ने इसमें विश किया, किससे, भगवान से विश किया। तो हम लिखेंगे द पोएट विशेज दैट, द पोएट, देखिए द पोएट विशेज, द पोएट विशेज दैट, द पोएट विशेज दैट द पीपल ऑफ हिज, द पीपल ऑफ हिज कंट्री, उनके देश के लोगों को क्या, शुड बी फियर, शुड बी फ्री, लिखोगे पहले किसकी बात थी, पहले यहां पर निडरता की बात थी, शुड बी आजादी की बात थी, शुड बी फियर या फिर फ्री कह सकते हो, या पहले फियरलेस लगा सकते हो, शुड बी फ्री एंड फियरलेस, शुड बी फ्री एंड फियरलेस, उन्हें क्या होना चाहिए, स्वतंत्र और निडर होना चाहिए। ये तो एक वाक्य हो गया। अब उसके बाद था कि वेयर द नॉलेज इज फ्री, जहां ज्ञान स्वतंत्र होना चाहिए, तो जहां ज्ञान स्वतंत्र होना चाहिए वहां हम क्या लिख सकते हैं कि दे शुड लिव विद डिग्निटी। तो ये अब यहां पर क्या लिखो, पहले इसका एक्सप्लेन करना था। देखिए द हेड इज हेल्ड हाई, तो हम लिख सकते हैं दे शुड लिव विथ डिग्निटी, विथ डिग्निटी, उन्हें अच्छी तरीके से रहना चाहिए। अब क्या, दे शुड गेट फ्री नॉलेज, उन्हें क्या होना चाहिए, ज्ञान भी, दे शुड सब में चाहिए का अर्थ आ रहा है, तो शुड लगाना है, ट्रांसलेशन तो यही है आपका, दे शुड गेट फ्री नॉलेज, दे शुड गेट फ्री नॉलेज, उन्हें स्वतंत्र रूप से ज्ञान पाना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं पढ़ने वाला हूं, क्या, कि वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू द फ्रैगमेंट, इस संसार को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा जाना चाहिए, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, किनके डोमेस्टिक वॉल्स कौन से, मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूं, जाति भाषा और धर्म, यही डोमेस्टिक वॉल्स हैं। तो हम कह सकते हैं क्या, कि क्या बोल सकते हैं कि दे शुड नॉट बी डिवाइडेड ड्यू टू कास्ट क्रीड एंड लैंग्वेज, भार ये क्या होना चाहिए, उन्हें जाति भर धर्म और भाषा के आधार पर बांटा नहीं जाना चाहिए। तो लिख दीजिए, यही तो लिखना है कि दे शुड नॉट बी डिवाइडेड ड्यू टू कास्ट रिलीजन या क्रीड भी कह सकते हो, ठीक है, दे शुड नॉट बी डिवाइडेड ड्यू टू कास्ट, जाति, फिर धर्म एंड लैंग्वेज, एंड किसके आधार पे, और जाति धर्म और भाषा के आधार पे नहीं बांटा जाना चाहिए। अब उसके बाद दे शुड, अब इतना तो हो गया, इसका मतलब क्या है कि उन्हें हमेशा स्वतंत्र रहना चाहिए, खुलकर जीना चाहिए। तो लिख सकते हो दे शुड लिव ओपनली एंड विथ फ्री माइंड। ये बच्चों अब क्या है, अब यही आपका एक्सप्लेनेशन कहोगे
कि सर एक बार फिर समझा दीजिए, मैं समझाता हूँ कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हाई, तो हम लिख सकते हैं कि द पोएट विशेज दैट, कवि अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि द पीपल ऑफ हिज कंट्री, उनके देश के लोगों को शुड बी फ्री, आजाद होना चाहिए एंड फियरलेस और निडर होना चाहिए। अब है कि द हेड इज हेल्ड हाई, तो दे शुड लिव विथ डिग्निटी, उन्हें सम्मानजनक तरीके से रहना चाहिए। वेयर द नॉलेज इज फ्री, इसका मतलब क्या है, उन्हें ज्ञान स्वतंत्र होके पाना चाहिए, तो दे शुड गेट फ्री नॉलेज। देखिए छोटे छोटे अर्थ आप लिख रहे हो, तो दे शुड गेट फ्री नॉलेज, उन्हें स्वतंत्र होकर ज्ञान पाना चाहिए। दे शुड नॉट बी डिवाइडेड, उन्हें बांटा नहीं जाना चाहिए ड्यू टू कास्ट, जाति, क्रीड, धर्म एंड लैंग्वेज और भाषा के आधार पे। दे शुड लिव, उन्हें रहना चाहिए बोले खुलकर एंड विद फ्री माइंड, और स्वतंत्र मस्तिष्क के साथ रहना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप समझ गए हो कि एक्सप्लेनेशन कैसे आसान हो सकती है, जब आप पूरे पोयम को एक बार रीड करके और उनके अर्थ निकाल लें और ये पता कर लें कि कहां से किस चैप्टर से उसके पोएट को रेफरेंस तैयार होता है, पूरे भाव में जो मुख्य बात होती है, कभी क्या कहने की कोशिश की है हर लाइन में, वो मेरा कॉन्टेक्स्ट होता है। एक्सप्लेनेशन पूरे को अर्थ को निकाल के छोटा उसका सारांश बना के ट्रांसलेट करते रहिए, ये आपका एक्सप्लेनेशन होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो बहुत धासु सेंट्रल आइडिया था आपके समझ में आया होगा। ऐसे एक एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, प्रोज या प्रैक्टिस आपको मिलते रहेंगे। तो यदि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड लक माय डियर्स।